नमस्कार साथियों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेके अपीयर हुआ हूं और यह है वैकेंसी अलर्ट टीएनसी की तरफ से, बहुत ही बड़ी शानदार भर्ती। यह है बहुत ही बड़ी, यानी बिहार के अंदर एक बार फिर से सीएचओ की वैकेंसी आई है और जो बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2100 पोस्ट एक बार फिर से बिहार सीएचओ की वैकेंसी आई है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्तियां हैं वो लगातार हो रही है। इन भर्तियों को अगर हम बात करें तो बिहार में ये पांचवी वैकेंसी है, बिहार के अंदर ये पांचवी सीएचओ की वैकेंसी है। इसके अंदर बहुत ही बड़ी बात है कि जीएनएम के अभ्यर्थी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल्स के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते, सबसे बड़ी खुशखबरी है और आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं इस फार्म के अंदर अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये भर्ती किसके तहत होती है, किस प्रकार से होती है, किस साइड से होगी, कितनी फीस रहेगी, कितनी पोस्ट रहेगी, ये सारा का सारा डिटेल्स हम लोग यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस भर्ती को जो कंडक्ट करवा रहा है स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार। ये आज का नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन नंबर है 06202106201, जो कि आपको वहां की बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट पे एज ए पीडीएफ में आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो साथियों, इसको हमें पढ़ना है किस प्रकार से इसके अंदर इनविटेशन दिया गया है। इसके अंदर हमें बुलाया कि सीएचओ के जो एक इग्नू की तरफ से कंडक्शन कोर्स होता है 6 मंथ के, उसके लिए आपको एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात पोस्ट कितनी है, जो कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया था, जो पोस्ट है वो 2100 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 2100 पोस्ट है। अगर आपको यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी टोटल पोस्ट है 2100। इसके अंदर थोड़ा सा एक बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व आउट दे देता हूँ कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, बी क्लियर लिखा हुआ है कि 1000 जो पोस्ट है वो टोटल 2100 है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 1054 जुलाई 2021 एंड 1050 जनवरी 2022। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि दो सेशन इग्नू हर 6 महीने में जो कंडक्ट करवा रहा है उसकी जो भर्ती है वो एक साथ करवाई जा रही है, लेकिन जो आपका सेशन होगा वो 1050 और 1050 के बीच में डिवाइडेशन होगा। पहले ही जब आप भर्ती में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेशन कौन सा होगा, तो याद रखने वाली बात है। लेकिन हमारी बड़ी बड़ी बातों में, अगर हम इसको बड़ी सीधा सीधा बातों में कहें तो टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 2100 पोस्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और किस प्रकार से ये सारा का सारा प्रोसीजर देखना है, तो आपको यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम है इसको अंदर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइट जो अगर हम बात करें कि किस साइट्स पे जाके हमें इसको एग्जाम को या फॉर्म को फिलअप करना है तो वो हमें यहाँ से देखना होगा। यहाँ पे बिल्कुल एक वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे मैं अगर जूम करूं तो यहाँ पे एक वेबसाइट दे रखी है और उस वेबसाइट के अंदर क्लियरली मेंशन है statehealthsocietybihar.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके डेट की कि यहाँ पे फॉर्म कब से कब तक अपीयर रहेंगे। अगर हम बात करें कि यहाँ का फॉर्म जो स्टार्टिंग फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है, तो फॉर्म की डेट है 16 जुलाई 2021, यानी आज 16 जुलाई 2021, यानी आज से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जो इसका एंडिंग है 29 जुलाई 2021। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही कम दिनों के अंदर ये पीरियड है, 16 जुलाई से लेके 29 जुलाई, और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं कि ये जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ये जल्दी से जल्दी फास्ट भर्ती होने वाली है, तो इसमें आप जरूर फॉर्म भरें।
इसके सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप वहां से साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लॉग इन कर सकते हैं, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की कि एप्लीकेशन फी किस प्रकार से रहेगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस तो जनरल के जो भी बंदे उनका जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो रहेगा 500 रुपए, कितना 500 रुपीज। अगर हम बात करें कि अदर्स कैटेगरीज की तो अदर्स कैटेगरीज की फीस रहेगी 2500 यानी 250 रुपए, तो बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है। तो जल्दी से इस फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इस भर्ती के अंदर होने वाला क्या है और इस भर्ती के अंदर आपकी सैलरी क्या रहेगी, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। हम एग्जाम क्यों देते हैं, हम नौकरी क्यों पाना चाहते हैं, सबका सपना मनी मनी, यानी आपको उसके अंदर सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक तरह से बता दिया गया है कि आपकी सैलरी 25,000 रहेगी, साथ ही साथ 15,000 इंसेंटिव रहेगा, जो कि ऑल इंडिया के अंदर सारी सीएचओ की सैलरी सेम है और यहाँ पे भी यही सैलरी रखी है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 बैच बिहार के अंदर ज्वाइंट है, जॉब कर रहे हैं, तो आप इस नेक्स्ट 5 बैच के लिए एलिजिबल है। जल्दी से फॉर्म भरे, इसके लिए टीएनसी ने बहुत ही जल्द एक प्लान लॉन्च करने वाली है, बहुत ही शानदार वीडियो क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, और उसको जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, वो प्लान कल से आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।